नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप विमान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के 8 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। हम ऑप्शंस को भी साथ में डिस्कस करेंगे, तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है 2 से 3 ही मिनट का रहेगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मोहम्मद गौरी? मोहम्मद गौरी का रियल नेम क्या था? तो मोहम्मद गौरी का रियल नेम जो था वो गयासुद्दीन मोहम्मद था। मोहम्मद बेग नाम का कोई आदमी नहीं था। गयासुद्दीन तुगलक, ये बाद का रूलर है, तुगलक डायनेस्टी का था। और गयासुद्दीन गौरी जो था इस नाम का भी कोई आदमी नहीं था, ठीक है। तो गयासुद्दीन मोहम्मद जो है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, हु हेल्प्ड गौरी टू डिफीट पृथ्वीराज चौहान? देखो, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध हुए। एक हुआ 1191 में और दूसरा हुआ 1192 में। कौन से बैटल थे ये? ये त्राइन के पहला और दूसरा युद्ध थे। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीता था और दूसरे में गौरी जीता था। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से हारा था और मारा गया था। इस युद्ध में हेल्प की थी गौरी की राजा जयचंद ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान का एक राइवल था। और इसने इसकी बेटी को पृथ्वीराज चौहान ने उसके स्वयंवर से उठा लिया था। बेटी का क्या नाम था? संयुक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज अपॉइंटेड एज द डिप्टी ऑफ इंडिया बाय मोहम्मद गौरी? मोहम्मद गौरी ने किसको भारत का डिप्टी नियुक्त किया था? तो वो था इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। ए जो है राइट ऑप्शन है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये इसका एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी स्लेव था, और इसी को यहाँ पर छोड़कर ये वापस चला गया था, ठीक है। और इसके बाद इसको मार दिया था, मोहम्मद गौरी को मार दिया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी थी भारत में। हाँ, यल्दो जो था, यल्दो शासक था ये गजनी का, इसको हराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आराम शाह जो था, आराम शाह बेटा था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और इल्तुतमिश जो था वो दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज गौरी किल्ड? गौरी कब मारा गया? गौरी को देखो, खोकरों का नाम आपने सुना होगा। खोकर जो थे वो सोल्जर थे, खोकर एक जाति थी। इन्होंने मार दिया था 15 मार्च 1206 को गौरी को, और यहाँ से गौरी का शासन जो है वो ख़त्म हो गया और फिर एस्टैब्लिश हुई स्लेव डायनेस्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेव डायनेस्टी की नींव किसने रखी? हु एस्टैब्लिश्ड स्लेव डायनेस्टी? तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको कि डिप्टी नियुक्त करके गया था गौरी, इसी ने यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी। यल्दोज इसका बेटा, आराम शाह यल्दोज जो था गजनी का रूलर, आराम शाह बेटा, और इल्तुतमिश जो था वो दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। नेक्स्ट देखिए, हु बिल्ट कुतुब मीनार एंड कुतुब उल इस्लाम? तो कुतुब मीनार और कुतुब उल इस्लाम जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए। वैसे कुतुब मीनार जो था इसका काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, और इसका निर्माण जो था वो पूरा किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों की बारे में बात हो रही है, तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का ही काम था, ठीक है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड ढाई दिन का झोंपड़ा सिचुएटेड? ढाई दिन का झोंपड़ा, देखो ये किसने बनवाया था? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और ये जो है एक मस्जिद है, आपने ध्यान में रखना है। और ये है अजमेर में, ढाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में है। नेक्स्ट है, हु सक्सीडेड कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने सक्सीड किया? तो ये सक्सीड किया था इसके बेटे आराम शाह ने। लेकिन ये जो था, इसको नोबल जो होते थे उस टाइम, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, और इसका दामाद जो था ये बाद में बना था। लेकिन वैसे सक्सीड करने की बात आई तो आराम शाह ने ही इसको सक्सीड किया था, और उसके बाद इसको सक्सीड किया था इल्तुतमिश ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट में हम स्लेव डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत की जितनी भी डायनेस्टी आई हैं अलग अलग, सभी को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिएगा चैनल को। थैंक यू।